प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यार सने के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके सहयोग के लिए मैं देता हूँ। अब बार बार मैं अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई वीडियो संबंधित प्रश्न हो तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं फ्री सेवा कर दूँगा, कोई शुल्क नहीं होगा। परंतु अगर आप लोग अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करिए, उसके लिए कुछ आपको फीस देना होगा। फीस अगर आप देंगे तो मैं पूरा विवेचन कर दूँगा। आप लोग के अनुरोध पे एक बहुत अच्छा वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, चंद्र बुध शनि ग्रह की युक्ति। इसमें दो ग्रह आपस में मित्र हैं, चंद्र बुध मित्र हैं, शनि शत्रु है। ये कुंडली में अगर है तो आप लग्न से मत देखिए, इसको देखिए किस राशि में क्या प्रभाव देता है। जिसके कुंडली में मेष राशि में चंद्र बुध शनि की युक्ति है, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, पारिवारिक जीवन इनका अच्छा नहीं होता। जिसकी कुंडली में वृषभ राशि में चंद्र बुध शनि की युक्ति है, ऐसे लोग पूर्ण धनवान होते हैं, पूर्ण विद्वान होते हैं, पूर्ण सफलता जीवन पाते हैं। जिसकी कुंडली में मिथुन राशि में चंद्र बुध शनि की युक्ति है, ऐसे लोग तेजस्वी होते हैं, समझदार होते हैं, कर्मठ होते हैं, दयावान होते हैं, चैत्रवान होते हैं। जिसके कुंडली में कर्क राशि में चंद्र बुध शनि की युक्ति है, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं, स्वयं की पहचान बनाते हैं, जीवन में पूर्ण सफल रहते हैं। जिसके कुंडली में सिंह राशि में चंद्र बुध शनि की युक्ति है, ऐसे लोगों की शिक्षा अधूरी रह जाती है, इच्छा अनुसार शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं, इनका जीवन हमेशा संघर्ष में रहता है, मानसिक तनाव में इनका जीवन व्यतीत होता है। जिसके कुंडली में कन्या राशि में चंद्र बुध शनि की युक्ति है, ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति शत्रु विहीन होते हैं, ऐसे लोग केस मुकदमा नहीं लड़ते हैं, ऐसे लोग कभी भी जेल नहीं जाते। जिसके कुंडली में तुला राशि में चंद्र बुध शनि की युक्ति हो, इनका इच्छानुसार शादी नहीं होता है, महिला हो या पुरुष हो, शादी होने के बाद पारिवारिक जीवन भी अच्छा नहीं रहता है, परंतु सरकार से इनको अक्षमातिक उच्च पद की प्राप्ति होती है। जिसकी कुंडली में वृश्चिक राशि में चंद्र बुध शनि की युक्ति हो, ये बहुधा देखा गया कि उदर रोग से परेशान रहते हैं, मानसिक परेशान रहते हैं, शत्रुओं से संघर्ष करते हैं, हमेशा इनका जीवन संघर्ष में व्यतीत होता है। जिसके कुंडली में धनु राशि में चंद्र बुध शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, ऐसे लोग उद्योगपति बनते हैं, ऐसे लोग कई व्यापार के मालिक होते हैं। जिसके कुंडली में मकर राशि में चंद्र बुध शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग लोहा मशीन केमिकल गल्ला का व्यापार करते हैं, ऐसे लोग जीरो से हीरो बनते हैं, रंग से राजा बनते हैं। जिसके कुंडली में कुंभ राशि में चंद्र बुध शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश यात्रा करते हैं, ऐसे लोग सीए होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं। जिसके कुंडली में मीन राशि में चंद्र बुध शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, कर्जे के कारण सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद होती है और कभी भी ये आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया, चंद्र बुध शनि की युक्ति कुंडली में किन किन राशियों में क्या लाभ हानि देता है, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करूँगा। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।